राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मानता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, इस व्रत पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इसका पारण का समय होगा 17 अगस्त को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8 बजे तक का इसका पारण का समय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हमें अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हमें कथा सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है, इसीलिए इसको यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस संबंध में कथा है, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में एक महाश्मति नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण उसका राजपाट में मन भी नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का कोई सुख उसे भाता नहीं था, बल्कि वह बहुत दुखदायी लगता था। पुत्र के भाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इस लोक में और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न किए, परंतु राजा का सब समय ऐसे ही व्यतीत हो गया, उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाने के कारण राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों को, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगे, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण कोई दुख नहीं दिया है, न ही अन्यायपूर्वक कोई कभी कार्य किया है, न ही किसी की धन संपदा को छीना है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को भी, जो बंधु तथा पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, अपराध करने पर दंड भी दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। अतः मैं बहुत दुखी हूँ और इसका क्या कारण है मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार अवश्य करें। राजा महीजीत के ऐसे वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन में चले गए। राजा का चाहने वाले वे सभी राजा यहाँ वहाँ ऋषियों को खोजने लगे कि कोई भी ऋषि उनकी इस समस्या का समाधान बताए। इतने में उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमशी जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उसके आश्रम में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने उनको प्रसन्नता से दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमेश त्रिकालदर्शी थे और वे तीनों लोगों को ज्ञाता भी थे। उन्होंने देखकर सब लोगों का को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमेश ने पूछा, आप सब लोग इसलिए यहाँ आयो, अपने आने का कारण बताएं। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकार समाधान कार्य होगा उसे मैं अवश्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरा करूंगा। इस प्रकार महर्षि के उसके पूर्ण विश्वास भरे शब्दों से सभी लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने महर्षि लोगों ने उनको बताया कि ब्राह्मण और मंत्रीगणों ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्म जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महीजीत बहुत दुखी हैं, उनके कोई संतान नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन पोषण किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य में इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उसकी बात को सुनकर महर्षि लोमेश दो घड़ी तो अंतर्ध्यान मगन हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत जानकर वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय जब भी भूख प्यास उसको सताई, अधिक धूप होने के कारण वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने के लिए पहुंच गया। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर एक बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल थी और ताप से पीड़ित थी। अतः बावड़ी में जाकर वह जैसे ही जल पीने लगी, वेश्य ने पानी पीती हुई गाय को हांककर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा।
उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसी समय ब्याही हुई प्यासी गायों को जल न पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख अब भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित का कारण पूछा और कहा कि राजा के पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं, ऐसा उपाय बताएं कि जिससे वो संतान की प्राप्ति हो। दयालु ऋषि ने कहा, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का भी कहते हैं। राजा, तुम सब लोग इसका व्रत करें और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्ण जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लवमेश ऋषि राज के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों मंत्रीगण और प्रजा ने भी पुत्रादि एकादशी का व्रत और जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रादि एकादशी का पुनः राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने से सभी कुछ संभव हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।